हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज है होली, रंगों की होली। तो दोस्तों, आज हम इतने खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो क्वेश्चन होंगे आपके रिलेटेड आपके डिक्शनरी प्रॉब्लम से, कुछ आपके वर्ड फॉर्मेशन से, कुछ आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उससे होंगे, कुछ डायरेक्शन टेस्ट से होंगे। तो मिक्स क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो कंप्यूटर जी, हमें पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए जल्दी से। क्या है पहला क्वेश्चन? करेंगे पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल ध्यान के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी एकदम से। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इम्पैशनेबल। तो इम्पैशनेबल यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इम्पैशनेबल जो वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करके चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये आपको बताना है कि इम्पैशनेबल जो आपको वर्ड दिया है इसके लेटर्स, यानी कि इसके जो लेटर्स हैं उनका यूज करके इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या इनका जवाब होता है मैं आपको बता देता हूं कैसे हमें इनको फाइंड करना होता है। एक वर्ड दिया गया है इम्पैशनेबल, ठीक है। अब चार ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर कि इम्पैशनेबल दिया गया है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पर, दूसरे पर दिया गया है आपका इम्पॉसिबल, तीसरे पर इम्पैसिव एंड फोर्थ नंबर पर इम्पैशन। तो आप अगर ऑप्शन नंबर सी पर अगर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर अगर सी को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा इम्पैसिव, जहाँ पर एक लेटर है क्या वी। ठीक है, क्या है वी। क्या इम्पैशनेबल में कहीं भी इस वी लेटर का यूज हुआ है? तो आपका जवाब होगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका कौन सा वर्ड, यानी कि इम्पैशनेबल जो वर्ड है आपका इसके लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट है कृपया अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखते हैं कौन अगले क्वेश्चन का सही जवाब दे पाता है, कौन नहीं दे पाता है। वर्ड है आपके पास इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। तो इस इनडिटर्मिनेट के जो लेटर्स हैं उनको यूज करके ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही जैसा हमने क्वेश्चन नंबर वन किया। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका सही जवाब होने वाला है इनडिटर्मिनेट। तो डिटरमाइन, रिटिन्यू एंड रिमाइंड एंड रेटिना। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनडिटर्मिनेट के जो वर्ड लेटर्स हैं उनको यूज करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए, तो देखो मुझे यहां पर दिख रहा है एक ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर में भी आपको क्या दिखा गया है कि RETINUE आपको एक वर्ड लेटर यहां पर दिखा, क्या दैट इज यू। तो आपको पता है कि यहाँ पर इनडिटर्मिनेट में कहीं भी हमने यू का यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इस वर्ड को हम इसके लेटर्स का यूज करके नहीं बना सकते। ओके, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ चुका है यहाँ पर, दैट इज एक वर्ड यहाँ पर लिखा गया STCTRUIONMISCCON। बहुत लंबा सा वर्ड दिया गया, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। STCRUIONMISCON। तो एक लंबा सा आपको यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ मिला है और आपको बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनके लेटर्स का यूज करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। देखो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक वर्ड यहाँ पर दिखा हुआ है, दैट इज़ इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ है और आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को अगर देखा हो ध्यान से तो यहाँ क्या लिखा हुआ है STATION। ठीक है, क्या इस वाले वर्ड में कहीं भी ए का यूज़ हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टेशन में ए का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो स्टेशन हमारा वह ऑप्शन है जिसको हम इसके लेटर्स का यूज करके नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर जी दिखा दीजिए, बिल्कुल कार्डियोग्राम। अगला जो वर्ड आपको दिखा मिल रहा है यहाँ पर वो है कार्डियोग्राम।
क्या है? कार्डियोग्राम। अब इस कार्डियोग्राम में ऐसा कौन सा लेटर है, यानी कि चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके लेटर्स का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका सही जवाब होगा और राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम, मुझे यहाँ पर ऑप्शन देखने हैं, तो मैं अगर ऑप्शन की बात करता हूँ तो इसमें मुझे कहीं भी ई का यूज़ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ई यहाँ पर कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एरोग्राम। क्या लिखा हुआ है? एरोग्राम, जहाँ पर आपका ई का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ई का यूज़ नहीं हुआ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप एरोग्राम को इसके लेटर्स का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो स्पीड के साथ क्वेश्चन को करेंगे और जानेंगे क्या है अगले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो अगला आपको वर्ड लिखा मिला यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। तो अगला जो यहाँ पर वर्ड आपको लिखा मिला वो है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के लेटर्स को यूज करके ऐसा कौन सा आपका जो वर्ड है चार ऑप्शन में से जो आप नहीं बना सकते हैं? तो दैट इज स्पोर्ट, स्ट्रैप, ट्रस्ट और स्टार्ट। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से यहाँ पर लग जाइए काम पे और बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टी आर यू एस टी, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट, और ट्रस्ट में यूज होता है भैया यू का, और यहाँ पर कहीं भी यू का यूज़ नहीं होता है ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट के लेटर्स का यूज करके हम ट्रस्ट को नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है और क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन जो लिया गया है आपका दोस्तों वो लिया गया है आपका डायरेक्शन क्वेश्चन से, यानी डायरेक्शन जो चैप्टर है आपका वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें बोला गया है कि ए मैन फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ बेस्ट टर्न लेफ्ट राइट 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 एंड लेफ्ट, यानी कि पहले वो लेफ्ट गया, फिर उसके बाद राइट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, उसके बाद कहाँ गया? फिर लेफ्ट गया। इन सीरीज इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज, यानी कि अब वह किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ, इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले तो आदमी की डायरेक्शन बना लीजिए किस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है आपकी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, और बोला गया है कि एक आदमी जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम की दिशा कौन सी होगी आपकी? ये वाली डायरेक्शन, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद बोला लेफ्ट गया, पहले वो कहाँ गया? लेफ्ट गया, उसके बाद कहाँ गया? राइट गया, फिर से राइट गया, फिर से राइट गया, यानी कि तीन बार राइट गया एंड देन वो कहाँ गया? लेफ्ट गया। तो अब आप क्या करोगे, एक लेफ्ट को और एक राइट को कैंसिल कर दोगे, एक लेफ्ट को और एक राइट को कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास बचा क्या? ओनली एक राइट। क्या बचा? ओनली एक राइट। इसका मतलब वो यहां से राइट आएगा। एक राइट का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल पर वो क्या हो गया? रोटेट हो गया। एक राइट का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया। तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन मुंह का खड़ा है तो 90 डिग्री में इसको रोटेट करूंगा तो उसका मुंह किधर होगा? अब नॉर्थ ईस्ट की साइड में। कहां होगा उसका मुंह? नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो यानी कि उसका फेस अब किस साइड में है? नॉर्थ ईस्ट साइड में उसका फेस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहां कोई जरूरत नहीं है कि ये पहले उसको लेफ्ट लेके जाओ राइट लेके जाओ, आप बस यहां ये लिख लीजिए और एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर मैं यहां खड़ा हुआ इस साइड को मुंह करके और मैंने पहले क्या किया? राइट लिया, मैं पहले यहां से राइट मुड़ा, फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया? मैंने फिर लेफ्ट ले लिया, यानी कि फिर मैं यहाँ मुड़ गया, तो मैं फिर सेम डायरेक्शन में तो आ गया। पहले भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था और अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आप सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो नाउ ही इज़ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए तो आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसलिए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं और पुनः दाएं मुड़कर मैं 60 मीटर चलता हूं। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में मैं हूं मुझे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए तो मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? मेरा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए। ठीक है,
ठीक है। अब यहां से मैं किस डायरेक्शन में चलना चाहता हूं, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, तो एक मैं बेसिक डायरेक्शन अपनी बना लेता हूं, इसको मैं ईस्ट मान लेता हूं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ, ठीक है। मेरा मुंह वेस्ट में है, यानी कि मेरा मुंह पश्चिम की दिशा में है, इस ओर मेरा मुंह है यहां पर इस साइड में। अब मैं यहां से कितना चला, मैं चला यहां से दाएं मुड़कर कितना चला, 20 मीटर चला, इनिशियल पॉइंट पर मैं यहां खड़ा हुआ था, मैं दाएं मुड़ा, यानी कि मेरा मुंह कहाँ था, दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ की ओर मैंने फेस किया हुआ था इस तरीके से। मान लेता हूँ मैं आपकी तरफ फेस साउथ में किए हुए, तो दाएं मुड़ूंगा तो मैं इस साइड को मुड़ जाऊंगा इस तरीके से, यानी कि मैं इस साइड को जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ, मैं बेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं बेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे गया, कितना मीटर चला, 20 मीटर में यहाँ पर आगे गया, कितना गया, 20 मीटर गया। फिर मैं दाएं मुड़ा, जब मैं इस डायरेक्शन में, तो दाएं मुड़ूंगा तो इधर जाऊंगा, तो इधर जाके कितना चला मैं, फिर 10 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितना चला, 10 मीटर चला। अब फिर बोला उसने आगे चल के कि वो बाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला, यानी बाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और फिर कितना चलेगा, 10 मीटर यहाँ से वो चलेगा, ठीक है। आगे बोला फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाएं कहाँ, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा। अब आगे बोलता है कि वो फिर दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है, अब वो दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर वो चला जाएगा, ठीक है, कितना चला जाएगा, 60 मीटर यहाँ से चला जाएगा। अब आपको बताना है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इनिशियल पॉइंट उसका ये था और फाइनल पॉइंट मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज पॉइंट नंबर बी। अब आपको बताना है ये किस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बनाता हूँ तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये जो डायरेक्शन आ रही है ये कहाँ आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, कहाँ आ रही है, नॉर्थ ईस्ट आ रही है डायरेक्शन ये, तो किस डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। तो अब वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ से वो जा रहा है अब। ओके, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए तो पहले बिंदु ए बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है, पॉइंट ए है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट है। अब वो इनिशियल पॉइंट से क्या करता है, एक बेसिक डायरेक्शन सेंस जो मैं आपको अभी बता रहा था वो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पहले वो क्या करता है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर जाता है 100 मीटर, तो उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर वो कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ से मैं मान लेता हूँ यहाँ तक पहुँच गया वो, कितना, 100 मीटर पहुँच गया, टोटल 100 मीटर वो यहाँ से यहाँ तक कवर उसने कर लिया। फिर वह दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर कहाँ है, नीचे की ओर, तो अब वो फिर दोबारा नीचे आएगा और कितना चलेगा, 60 मीटर यहाँ से वो चलेगा, यानी कि यहाँ तक ऊपर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 मीटर, टोटल 100 थी, बची कितनी ये वाली, 40 मीटर ये नीचे बची, ठीक है। अब वो कहता है फिर पूरब की ओर 30 मीटर जाता है, अब वो यहाँ से पूरब की ओर मुड़ा और कितना गया दोस्तों, 30 मीटर वो यहाँ से इधर गया। ओके, अब वो कह रहा है कि बिंदु बी पर पहुँच गया, तो मैं मान लेता हूँ ये भैया बिंदु बी आ गया और ये बिंदु ए है, तो आपको बताना है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। तो आपने, मैंने, आपने मैथ में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस आप प्रमेय अगर आपने पढ़ी है तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, ये साइड 3 है और ये 4 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है, ठीक है। ट्रिपलेट पढ़े हैं पाइथागोरस, वही का इसका यूज करना है, तो जो लोग ट्रिपलेट नहीं जानते हैं वो पाइथागोरस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 50 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ना इसके रेशियोज होते हैं 3, 4 और 5, तो इनके मल्टीपल भी इसके रेशियो होंगे, अगर मैं इसको 30 कर दूं, 40 कर दूं और 50 कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 50। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई यहाँ से, 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर वो किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो जो कि है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हो जाएगा यहाँ से जब इस साइड को जाएगा, तो 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट, डैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ए की, ए बी के बीच की दूरी 50 मीटर है और वो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। तो क्वेश्चन है हमारा, बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। चलिए,
तो बिंदु ए है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये क्या है, पॉइंट ए है आपका, ये क्या है, पॉइंट ए है। अब एक बेसिक डायरेक्शन सेंस जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको याद रखिएगा अपने मन में, ठीक है। तो ए से व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, कितना जाता है 60 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर इस साइड में है तो कितना चलेगा 60 मीटर, वो यहाँ से यहाँ तक गया। आगे उसने बोला फिर वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ, नीचे की ओर आएगा, यानी कि इस साइड में आएगा, और कितना चला यहाँ से यहाँ तक, वो 50 मीटर चला, तो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला। आगे कहता कि फिर से बाएं मुड़ता है और वह 60 मीटर चलता है, यानी फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला 60 मीटर वो फिर से चला, ओके। अब वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, बिंदु बी है। तो आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि आपको दूरी निकालनी है ए और बी के बीच की, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये, तो अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, यहाँ पर इसको ओ मान लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री का पॉइंट होगा क्योंकि मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया यहाँ पर, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, इसको मिला दिया, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगी यहाँ तक की, और आगे ये 60 है ही यहाँ पर, तो ये 50 है इसके पैरेलल, तो ये वाली भी 50 होगी, ठीक है। तो ये राइट एंगल है, ये ए बी हो गया, ये 50 और ये 60, ये वाला 60 मीटर और ये वाला 60 मीटर, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया ये 120 मीटर, कितना हो गया 120 मीटर। आपको ए बी की निकालनी है, ए ओ आपके पास 50 है, ओ बी आपके पास 120 है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाई नहीं करना हमें, ट्रिपलेट का यूज़ कर लेना है, आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 5 है और हाइट 12 है, तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना आता है, 13 आता है। तो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीपल का यूज़ करेंगे, तो ये 50 कर देता हूँ, ये 120 कर देता हूँ, और ये कितना आ जाएगा 130, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 130। तो यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 130 मीटर। तो आपने बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर यहाँ से निकाल लिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 130 मीटर, ओके, 130 मीटर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको और सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन इज, सुबह के समय सूर्योदय के बाद राम और श्याम जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो यदि राम की छाया जो है श्याम के बाएं बनती है तो श्याम का मुख किस दिशा में है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन आपके पास है ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा इसका, तो मैं बताता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये दोस्तों आपके पास क्या है, राम है, और ये बना लेता हूँ मैं यहाँ पर श्याम, ये क्या बना लेता हूं श्याम, ये राम है दोस्तों, राम का मुंह जो है इस साइड में है, तो मैं इसलिए एरो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि राम का मुंह इस साइड में कर रहा हूं और श्याम का मुंह इस साइड में कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों आपस में आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो बेसिक डायरेक्शन सेंस में मैं डायरेक्शन भी बना लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। अब ये बोला गया है कि सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय, सूरज कहाँ पर उदय होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि सूरज कहीं इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, सूरज इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ये क्या है आपका सन है, तो ये आपका भैया ईस्ट डायरेक्शन में निकल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन इधर थी तो इनके ईस्ट में यहाँ पर निकल रहा है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये इधर मुंह करके खड़ा है, जब ये इस तरीके से मुंह करके खड़ा है, तो ये वाली साइड जो होगी इसकी लेफ्ट होगी, ये राइट होगी, और सामने वाले में ये इसकी लेफ्ट होगी और ये इसकी राइट होगी, श्याम का लेफ्ट और इसका राइट एक साइड आएंगे, और इसका लेफ्ट और इसका राइट एक साइड आएंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है, यदि राम की छाया श्याम के बाएं ओर बनती है, यानी कि ये जो राम है ना, इसकी छाया कहाँ बन रही है, यहाँ पर इसकी छाया बन रही है, ठीक, इसके श्याम के बाएं ओर, श्याम का लेफ्ट बाएं ओर कहाँ है, इधर, यानी कि इधर छाया बन रही है, तो वो पूछ रहा है कि जो श्याम का मुख है किस दिशा में है, तो अगर ये डायरेक्शन आपकी क्या है, ईस्ट है, तो ये वाली जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब सूरज आपका पूरब में होता है तो छाया कहाँ बनती है, पश्चिम में बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर सूरज आपका पूर्व में है तो छाया कहाँ बनेगी आपकी, पश्चिम में बनेगी, ठीक है, तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका साउथ, तो श्याम का मुख किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो श्याम का मुख किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, उत्तर दिशा में श्याम ने मुख किया हुआ है, तो यही इसका सही जवाब है। तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है। एक फिगर आपको यहाँ पर दी गई है और उसमें दिखाया गया है कुछ फिगर, तो एक तीसरे नंबर की जो फिगर है और लास्ट नंबर पर जो फिगर है, यानी कि ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपका नॉन वर्बल एनालॉगी से। तो आपको इसका जवाब कैसे देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसका जवाब देना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या सही जवाब होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ फिगर की यहाँ पर, तो इस तरीके का कुछ फिगर आपके पास बना हुआ है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर जीरो है और ये फोर यहाँ पर इसके कॉलम है, एक जीरो यहाँ पर है, ओके, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, एक फिगर और बनी यहाँ पर, चार इस तरीके से। अब एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो यहाँ आ गया, यहाँ चारों में जीरो आ गया। ठीक है, और नीचे वाले के जीरो सेम ऐसे कैसे ही हैं। ठीक, तो इस फिगर में मुझे इतना अंतर देखने को मिला कि ये वाला जो जीरो था ये यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट जो है ये कहाँ आ गई है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। कि कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो गए, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। और क्या हुआ कि बीच में दो जीरो और बढ़ गए, ऐड हो गए यहाँ पर, जो थे वो तो ऑलरेडी थे उनके साथ में दो और ऐड हो गए। अब आपके सामने क्या है, एक फिगर यहाँ और दिया गया है जो कि थर्ड पोजीशन पर दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, यहाँ क्रॉस दिया गया है और यहाँ क्रॉस दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है और ये दिया गया है, नीचे यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स। तो चलिए अब इसका जो नेक्स्ट फिगर होगा आने वाला, अब चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फिगर है जो इसका नेक्स्ट फिगर हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस फिगर को फॉलो करता हूँ तो यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन है कि यहाँ पर दो थे तो बीच वाले जो रो है आपकी चार हो गए थे, तो चार क्रॉस तो यहाँ आने वाले हैं, तो ये तो मुझे कन्फर्म हो गया कि बीच वाले में चार क्रॉस आएंगे। लेकिन जो ऊपर वाला एंटी क्लॉक वाइज अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, कि जो एरो है इसको एंटी क्लॉक वाइज अगर मैं एक पोजिशन शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आना चाहिए ये एक्स और ये एक्स यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई फिगर नहीं है कि जिसमें यहाँ पर आ रहा हो और यहाँ पर आ रहा हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी की, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी की। अब ऑप्शन नंबर बी की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो यहाँ नीचे वाली रो जो है इसमें एक स्थान में यहाँ पर इसको एंटी क्लॉक वाइज शिफ्ट करूँगा, यानी कि नीचे वाली रो में एक पोजीशन यहाँ पर इसको शिफ्ट करता हूँ और एक पोजीशन इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। तो ये वाला मेरे पास फिगर क्या बन जाती है, ये वाली और ये वाली। ठीक, ऊपर वाले जो मेरे पास हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यानी कि ये क्रॉस यहाँ पर रहेगा और ये क्रॉस यहाँ पर रहेगा। तो ऐसा कौन सा फिगर आपके पास आ रहा है, ऐसा फिगर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो यही मेरा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ओके, तो ये मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनालॉगी सीरीज़। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, कुछ फिगर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद एक नेक्स्ट फिगर है, फिर एक थर्ड लास्ट फिगर है, उसके बाद एक और आपको बतानी है कि फोर्थ नंबर पर कौन सी फिगर यहाँ पर आएगी। तो फिगर का एनालाइज कीजिए और हमें जवाब दीजिए क्या इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये फिगर इस तरीके से बनी हुई है यहाँ पर। तो ये फिगर आपकी ऐसे बनी हुई है। अब जो इसके जो रेस्पेक्टिव में फिगर बनी है वो कैसे बनी है वो देख लीजिए। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो फिगर बनी हुई है ये कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार फिगर, तो इस फिगर को मुझे देख के लगा कि ये इसकी मिरर इमेज है। क्या है, इसकी मिरर इमेज है। कैसी इमेज है, मिरर इमेज। तो यहाँ पर मिरर इमेज का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। तो ये जो जो अगली फिगर है आपकी जो बनी हुई है ये इस तरीके से कुछ, इसका मिरर इमेज क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रायंगल तो दोस्तों ऐसे कैसे रहेगा और ये जो पॉइंट्स हैं ये तो भी ऐसे कैसे रहेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है जब मैं इसको मिरर इमेज में शो करूँगा तो ये किस तरीके से होगा, ये इस साइड में रहेगा और ये जो आपका इस साइड में था ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके अपोजिट साइड में। तो ऐसी कौन सी फिगर आपको दिख रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है।
चलिए तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन हमें दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन फिगर भी आपके सामने है, आंसर फिगर भी आपके सामने है, फाइंड आपको करना है और आंसर फिर मैं बताता हूँ कि सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो एक फिगर आपको ऐसे दिख रहा है और यहाँ पर ऐसे, जो इसके रेस्पेक्टिव में आपको फिगर दिख रहा है वो दिख रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, यानी कि ये रिवर्स प्रोसेस में है, इन्वर्ट कर दिए गए हैं सारे के सारे साइंस। तो मेरे पास एक ये दिया गया है यहाँ पर और एक इस तरीके का साइन दिया है, एक ऐसे दिया है और एक ऐसे दिया है। तो नेक्स्ट फिगर की बात करूँ, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है तो ये इसका जो रेस्पेक्टिव फिगर होगा वो नीचे की ओर खुला होगा, ये नीचे की ओर खुला है तो ये ऊपर की ओर खुला होगा, ये बाहर है तो ये अंदर होगा, ये बाहर है तो ये भी अंदर होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर आपके पास बन रहा है, वही इसका सही जवाब होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन एक बार ये, अब आपको बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। अब देखो मैं बात करता हूँ इस फिगर की, जल्दी से हमें बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है और मैं भी साथ साथ आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ये फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, अब आपने आगे देखा इसके रेस्पेक्टिव में फिगर क्या बन गया, ये इस तरीके का कुछ फिगर बन गया। ठीक है, ये फिगर आपका बन गया। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, इस फिगर में चेंजेस जो हुए वो क्या चेंजेस थे, आपने कुछ नोटिस किया? बिल्कुल किया होगा, जब मैंने किया तो आपने भी किया होगा। मैंने देखा ये सर्किल अंदर की ओर था, ये सर्किल बाहर आ गया, ये ट्रायंगल बाहर था और ये ट्रायंगल कहाँ चला गया, अंदर चला गया, यानी कि जो इनर मोस्ट है और जो आउटर मोस्ट है वे आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो सेम हमें आपने नेक्स्ट फिगर में करना है, जो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट हैं उनको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो अंदर क्या है, ट्राइंगल, तो बाहर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल, और बाहर क्या है आपका, ये है और ये आपका आ जाएगा अंदर। तो ऐसा कौन सा फिगर आपको मिला हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या अगले क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन क्या इसका सही जवाब होगा देखते हैं। यहाँ पर देखो एक फिगर आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत ईजी, वैसे देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फिगर आपको दिया गया है, कुछ इमेजेस यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है क्या इसका सही जवाब होगा। तो अगर लॉजिक की बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो बहुत ईजी लॉजिक है, आपको क्या दिया गया है, यानी कि बीच वाला जो फिगर है आपका, जो बीच वाला यानी फर्स्ट जो फिगर है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया है और ये फिगर कुछ इस तरीके से, या तो ये जो ये तो क्वेश्चन जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का है, हमें देखना है क्या इसका सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो तो ये दिया है और कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास ये बन के आ गया है। ठीक, अब ये बीच वाला कलर यहाँ पर हो गया है, तो ये चेंजेस मुझे देखने को मिला, ये बीच वाला यहाँ पर कलर हो गया है। अब जो नेक्स्ट फिगर है, अब मुझे जो ऑप्शन, मेरा जो क्वेश्चन फिगर है, जो नेक्स्ट फिगर है वो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है और यहाँ इस तरीके से है ये, और आगे कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है और ये कलर्ड है। तो मुझे पता लगना चाहिए था कि नेक्स्ट जो फिगर होगी वो क्या होगी, ये बीच वाला जो है कलर्ड होगा, जो बीच वाला है वो पोर्शन आपका क्या होगा, कलर्ड होगा, और ये जो है ये ऊपर नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फिगर आपका है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन में आप सभी के लिए इतना ही, कैसा लगा आपको आज का सेशन हमें जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप होली एंजॉय कीजिए। ठीक है, सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।